सिटी होम देख रहे सारे दर्शकों का स्वागत है। मैं हरीश मेरा अज गमसा जिहड़ा कि 6वीं प्रदर्शनी लगनी जा रही है अज उत्थे विशेष तौर पर पहुंचे चंद्रकांत जी जिहड़े कि कमिश्नर ने और संती शहर लुधियाना जिहनूं मैनचेस्टर ऑफ इंडिया भी कहा जाता और हौजरी का नाम लईए तो हौजरी दे अगर पंजाब पूरा देश की गल करिए चाहे विदेशों की गल करिए सिर्फ इको एक नाम आता शहर लुधियाने का हौजरी लैनी हो लुधियाने तो लैने अज एग्जीबिशन च विशेष तौर पर चीफ गेस्ट तौर पर आए हैं अज चंद्रकांत जी बहुत बहुत स्वागत है जी की कहना चाहोगे अज तुहाडी प्रदर्शनी लगी है और हर साल लगती है इत्थे ते लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है और खास करके फॉरन दे विच भी साडा नाम है लुधियाने का की कहना चाहोगे। गमसा एग्जीबिशन 2022 बड़ा अच्छा है। मैं देखिया एक इंसेंटिव है लुधियाने शहर वास्ते जिन्हों से मैनचेस्टर ऑफ इंडिया कह रहे हो कि लेटेस्ट टेक्नोलॉजी जी मशीन है इतने डिस्प्ले हो गई हैं तकरीबन मैं सारे स्टॉल घूमे हैं कोई ऐसी टेक्नोलॉजी या ऐसी मशीन नहीं जी इतने ना अवेलेबल हो बिजनेसमैन कुछ मशीन लैन का चाव हों और कुछ वेचन का भी हों कुछ अपने प्रोडक्ट्स भी दिखाते हैं कि लेटेस्ट टेक्नोलॉजी असं की बना सकते हैं और बना रहे हैं। मैं बहुत मुबारकबाद दिना सारे लुधियाना के इंडस्ट्रियलिस्ट जिन्होंने गमसा इस साल इतने लुधियाना विखे एग्जीबिशन लगाई है बहुत बहुत मुबारकबाद। मैं सबसे पहले तो गैन साहब का स्वागत करता हूँ। ये हमारे लिए मान का विषय है कि ये हमारे चीफ गेस्ट हैं और इनको ये आयोजन जो है वो पसंद आया है और वैसे तो इंडस्ट्री की ओर से हमें पूरी श्लाघा मिल रही है लेकिन मैं समझता हूँ कि लुधियाना के लिए मान है गमसा इंडिया एक्सपो 2022 जो कि इंडस्ट्री को अपग्रेड करने के लिए कॉस्ट कटिंग करने के लिए और अपने कारोबार को बढ़ाने के लिए इंडिया की और लुधियाना की और पंजाब की इकोनॉमी को बढ़ाने के लिए इट्स ए गोल्डन चांस फॉर द इंडस्ट्री ऑफ इंडिया। आई वुड से वेलकम टू एवरीबॉडी। आप गमसा एक्सपो इंडिया में आइए और लाभ उठाइए। बात करें पिछली जो 5th आपका गमसा था उसमें कितना बिजनेस हुआ था? देखिए ऐसा है कि हम ऐसा इकोनॉमिक हम लेते नहीं हैं क्योंकि वी आर एसोसिएशन हमारा कोई प्राइवेट हाउस नहीं है। हम किसी से नहीं पूछते कि हाँ कि आपका कितना बिजनेस बढ़ा या कितना है लेकिन इतना ज़रूर कहना चाहता हूँ कि हाँ के इंडस्ट्री के लिए इससे बड़ा आयोजन नहीं है पर्टिकुलरली गारमेंट इंडस्ट्री के लिए। मेहरबानी थैंक यू जी सर। हाँ जी क्या कहना आप हमेशा इस बार भी देखा बहुत अच्छी एग्जीबिशन हर बार जैसे पहले जो शहनशाह में लगते थे वेलकम पैलेस में भी बहुत नहीं नहीं गमसा एक्चुअली आज जो पंजाब की सबसे बड़ी एग्जीबिशन बन गई। एक्चुअली जो एग्जीबिशन है ना इसका मेन मोटिव कोई भी चीज़ सेल करना नहीं होता ये हमारा मोटिव होता है कि हम लोगों को दिखाएं कि एक साल में क्या क्या इंडस्ट्री में चेंजेस आई हैं उसमें क्या होता है कि हर साल बहुत सारी चेंजेस आती हैं जिससे कि किसी भी प्रोडक्ट की जो प्रोडक्टिविटी है उसको हम लोग बढ़ाने की कोशिश करते हैं नए से नए प्रोडक्ट देने की कोशिश करते हैं। तो गमसा में जितनी भी नई टेक्नोलॉजी लेटेस्ट होती है वो सारी की सारी लोगों के लिए ओपन होती है। अभी बिजनेस की बात है तो बिजनेस अभी आने वाले दिनों में हर लोगों को पता चल जाता है कि आजकल क्या नहीं होगी सारे साल में ये प्लानिंग उनकी चलती है। तो ये एग्जीबिशन एक्चुअली फॉर 1 ईयर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि क्या क्या चेंजेस है कितनी प्रोडक्शन बढ़ेगी क्या नई चीज़ आई है यही हमारा मोटिव होता है कि हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा इंडस्ट्री को अपडेट करें। एक्चुअली लेटेस्ट टेक्नोलॉजी कौन कौन सी है बाहर चाइना की और भी सर्कुलर निटिंग मशीनें हैं वो कौन कौन सी इसमें है? इसमें सिर्फ सर्कुलर निटिंग मशीनें नहीं है आजकल इंडस्ट्री में बहुत तेज़ी से ग्रोथ हो रही है जैसे अभी शू मेकिंग में बड़ी ज़बरदस्त रेवोल्यूशन आई है उसके बाद आजकल फिनिशिंग में जैसे ब्लैंकेट है ब्लैंकेट के अलावा फर्निशिंग के प्लांट है इवन डाइंग वगैरह में बहुत ज़बरदस्त चेंजेस आई है उसमें क्वालिटी वगैरह बहुत अप हुई है। तो अभी इस बार जो हमारी एग्जीबिशन है इसी चीज़ पर बेस्ड है कि ईच एंड एवरी थिंग में जो जो नई टेक्नोलॉजी है वो सब इसमें डिस्प्ले में है तो उसमें जो भी होगा वो सब लोगों को फिर हो जाएगा क्लियर। थैंक यू जी।